क्या हुआ भैया, आज स्कूल नहीं आए थे तुम? स्कूल जिंदगी सब खत्म हो गई आलम भाई। क्या हो गया? मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं। तो हमें पढ़ना था, हमें जॉब करनी थी, अपने पैरों पे खड़ा होना था हमें। तो भाई ससुराल जाके पढ़ लेना, जॉब कर लेना। तुम्हें पता भी है मेरी शादी कहाँ हो रही है? कहाँ? मेरी खाला की लड़की से। मेरी खाला ही मेरी सास बनने वाली है। वो औरत हमें जॉब क्या, पढ़ने तो देगी नहीं, भर भर के दहेज अलग ले रही है। उस बाप के दिल से पूछो जो अपना इकलौता प्यारा लड़का दे रहा है, ऊपर से जहेज ले रही हैं खाला होके। सही बात, लेकिन भाई मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है यार। भाई कह रहे हैं पहले पढ़ लो, ट्वेल्थ कर लो, उसके बाद शादी करवा देंगे। काश मेरे घर वाले भी ऐसे ही होते। भाई ये बताओ, तुम्हारी बीवी दोस्तों से मिलने देगी? ज़्यादा रोक टोक वाली ना हो यार, ये ना कहे बाद में कि हमारे घर के लड़के निकलते नहीं घर से बाहर। नहीं यार, अंडरस्टैंडिंग तो है। देखो बस इतना कहती कि ढीले ढीले कपड़े पहन के बाहर जाना, तमीज़ से। हाँ तो इतना तो चल जाएगा, लेकिन हम अपनी अप्पी से कह देंगे। एक तो बचपन से अप्पी कहने की आदत है मेरी। शर्मा गया, कैसे बीवी कहेंगे यार। अच्छा सुनो तो, हाँ। हम अपनी बीवी से कह देंगे अगर तुम्हारी अम्मा ने ज्यादा परेशान किया हमें तो मेरे साथ अलग किराए घर लेके रहो। भैया इस चक्कर में ना पड़ो, लड़कियां अपनी अम्मा घर नहीं छोड़ती हैं। हाँ ये तो है यार, काश हम लोग भी लड़की होते। सही बात। चलो भैया हम जा रहे हैं झाड़ू बर्तन करने घर के। हाँ यार जाओ भाई, हम भी जा रहे हैं यार। अम्मी आ रही होंगी दफ्तर से, पापा के साथ खाना बनाना है हमको। हाँ मेरी अम्मी भी आ रही होंगी। हाँ चलो।